brain. अगला कौन है? सामने आओ। तो क्या यहाँ कोई नहीं है जो मेरे साथ एक फ्रेंडली मैच खेल सके? कहीं तुम इससे डर तो नहीं गए ना? ये तो बस स्लग्स हैं। गलत, वो सिर्फ स्लग्स नहीं है, वो असल में गूल्स हैं। ओह, कहीं तुम वो नए शेन तो नहीं मुझे सबक सिखाने आए हो? मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेताब था। उन गूल्स को यहाँ नहीं लाना चाहिए था और ना ही तुम्हें आना चाहिए था। एक के मुकाबले चार, ये तो बहुत नाइंसाफी है। नियम तो तभी खत्म हो गए थे सीसी, जब तुमने डॉक्टर ब्लैक से इन गूल्स को लाने की सोची। मेरा एक ही स्लग तुम चारों के स्लग्स के बराबर है और अब मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। एक आखिरी मौका देता हूँ सीसी, तुम चुपचाप जाना पसंद करोगे या फिर हमसे मुकाबला करके? सच में? ओहो, छोड़ो भी ट्रिक्सी, ये मत भूलो कि ये एक हीरो है। तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे? अब इससे तुम पागल हो जाओगे। उसे रोकना होगा। कोई बात नहीं। क्या तुमने देखा कि उसके बूस्टर कितने तेज हैं? और उसके पास गोल्स भी है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ दोस्त, हम में से सिर्फ तुमने ही उसके साथ मुकाबला किया है और उसका नतीजा भी कुछ खास नहीं था, याद है ना? अगर तुम मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हो तो बात नहीं बन रही, पर कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। जरा देखो तो। क्यों नहीं? इलाई, वो सिर्फ एक स्टिंक कर रही है, उस गूल के मुकाबले वो टिक नहीं पाएगा। और देखते जाओ, बस इसी वजह से हमारी जीत होगी। ये कितना बदबूदार है। और बेवकूफ भी, तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये तुम्हें हरा देगा। ये तो मेरा प्लान था। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो तुम मुझ पर हमला करो, जिसके बाद मेरी दोस्त तुम्हें नहीं छोड़ेगी, या फिर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बोलो क्या करोगे? अच्छी चाल थी बच्चे, तुमसे काफी हफ्तों तक बदबू आएगी। ओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पड़ता है। पहले तो तुम एक बेहतरीन स्लग स्लिंगर हुआ करते थे, अब क्या हो गया तुम्हें? मुझे एक मौका मिला और मैंने उसे ले लिया। और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जो डॉक्टर ब्लैक के साथ है। नया शेन भले ही वापस आया हो, पर तुम डॉक्टर ब्लैक और उनके गूल्स का सामना कभी नहीं कर पाओगे। और तुम्हारी वो शेन की छुपने की जगह कैसी है? अच्छी तो है ना? तुम किस बारे में बात कर रहे हो सीसी? ओ कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था कि जब मैं इन लोगों को अपना हुनर दिखा रहा था, तब मेरे कुछ दोस्तों ने तुम्हारे लिए रीडेकोरेशन किया है।
ऐसा समझ लो कि ये एक तोहफा है उसकी तरफ से जिसने मुझे ये दिया है। हाइड आउट चलो। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। वाह अच्छी खबर है, मेरे चाइना मेड अनब्रेकेबल डॉल सही सलामत आई। अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, बदला। ऐसा करके डॉक्टर ब्लैक ने हमें चुनौती दी है। लगता है उन्हें नहीं पता हम ऐसी छोटी बातों से नहीं डरते। तो बताओ प्लान क्या है? हम भी अब चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन पहले हमें टूटी फूटी चीजों को ठीक करना होगा। जानते हो इसका मतलब क्या है? हम जा रहे हैं बटन एंड स्प्रिंग स्टोर में। वाओ, समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। मुझे पता है, इनके पास फर्नीचर से लेकर लेटेस्ट ब्लास्टर तक लेकर सब कुछ है। तुम्हारे मैकेनिकल बीस्ट के लिए यहां कस्टम पार्ट्स भी मिलेंगे। तुम एक गियरहेड मैकेनिक हो, क्या तुम हमें अपनी चीजें सिलेक्ट करने में मदद करोगे? हाँ बिल्कुल, इससे काम चल जाएगा। जो भी चाहिए था वो हमने ले लिया, और कुछ अपग्रेडेड ब्लास्टर्स भी, जो कि हमें आगे बहुत काम आएंगे। सिर्फ एक सवाल, क्या हमारे पास इतना सोना है? सोना नहीं चलेगा, सिर्फ स्लग्स। तुम्हारे पास तो अच्छे खासे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किराने का सामान नहीं खरीद रहे इलाय। अगर कुछ कीमती पाना है तो बदले में कुछ कीमती खोना भी पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम बगैर इन चीजों के भी काम चला लेंगे, लेकिन मुझे अपने स्लग्स चाहिए। और ब्लैक का क्या? उसके पास पहले से ही वो ताकतवर गूल्स हैं। अगर हमने इन्हें नहीं लिया तो उसका सामना कैसे करेंगे? ये स्लग्स मेरी टीम का हिस्सा है और मैं इन्हें खोना नहीं चाहता। देखा इलाय, इसलिए इन स्लग्स से ज्यादा दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि स्लग्स तुम्हारे लिए कितने कीमती है, पर कभी कभी हमें भी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। हम सब ने दी है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। तुम बहुत अच्छे से लग रहे हो जूल्स, पर हमें ये हथियार चाहिए। वाह, इससे काम चलेगा। तुम ये सब ले जा सकते हो। तुम चाहे किसी के भी साथ रहो, वो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा। शायद हम फिर मिलेंगे। मुझे नहीं लगता। डरावनी पहाड़ी, हमें संभल कर चलना होगा जी। दोस्तों मैं कुछ सोच रहा था। मेरे कारनामों के बारे में ही सोच रहे होंगे ना। हमने गलती की। तो तुम मेरी ट्रैकर कला पे उंगली उठा रहे हो क्या? मैं जूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा। हमें वो सौदा करना ही नहीं चाहिए था। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, अगर ब्लैक का मुकाबला करना है तो हमें बेहतर हथियार चाहिए, और बेहतर हथियार के लिए कभी कभी हमें एक आध स्लग को कुर्बान करना ही पड़ता है। हमें वापस जाकर उसे लाना चाहिए। पता नहीं इसे उन स्लग्स के साथ इतना लगाव क्यों है। इसका क्या मतलब है तुम्हारा? हम बस एक घंटे पहले यहाँ से गए थे। कहा ना बच्चे, उसे कोई ले गया। अगर तुम्हें रिफंड चाहिए तो मेरे पास कुछ फ्लॉपर्स हैं। नहीं, मुझे मेरा जूल्स वापस चाहिए। सॉरी बच्चे, ये पॉसिबल नहीं। कोशिश तो की थी। तुम समझे नहीं प्रॉन्टो। वो दुकानदार जरूर कुछ छुपा रहा है, और ये मैं पता लगा कर रहूंगा। एक साजिश? क्या बात है। साइड में हट जाओ, इसके लिए बहुत हुनर चाहिए और इसे बड़े आराम से करना पड़ता है। ये तो मैं भी कर सकता था। ये तो हजारों की तादाद में है, पर ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, पर फिर भी मेरे पास यहाँ कई फर्स्ट क्लास स्लग्स हैं। कुछ पावरफुल स्लग्स भी हैं जिन्हें ट्रेनिंग भी मिली है, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर ब्लैक को पसंद है। इन्हें गाड़ी में रख दो। ये सब डॉक्टर ब्लैक करवा रहा है। और शर्त लगवा लो, वो इनसे ही खतरनाक गुल्स बना रहा होगा। अच्छा, पर उसे जूल्स नहीं मिलेगा या इनमें से कोई भी स्लग। चलो
हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। वो स्लग तुम्हारा नहीं है। किसने कहा? डॉक्टर ब्लैक ने। मुझे तो वो यहाँ नहीं दिख रहे हैं। और एक बात याद रखो, तुम अकेले हो और हम बहुत सारे। खिल्लू रखो। वैसे तुम हो कौन? लोग मुझे डियाब्लोस नाचो कहते हैं। ठीक है नाचो, तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं। या शायद तीन। तुमने जो पकड़ा है वो मेरा पांव है। ओह तो भी ठीक है। ठीक है, तुमने हमें हरा दिया, अब क्या करोगे? घबराओ मत जूल्स, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर ब्लैक के साथ सौदा कैसे कर सकते हो? बहुत सारे लोग करते हैं बच्चे, हम उसे मना भी नहीं कर सकते। वैसे भी वो सिर्फ स्लग्स हैं। मुझे लगता है तुम जानते नहीं वो उनके साथ क्या करता है। और मुझे जानना भी नहीं है। हमें जूल्स को वापस लाना ही होगा और बाकी स्लग्स को भी, इससे पहले कि वो ब्लैक उन्हें गूल्स बना दे। मतलब हम सीधे डॉक्टर ब्लैक के कैसल में जा रहे हैं? वैसे भी हम उसे एक चेतावनी तो देना चाहते थे, ये हमारे लिए सही मौका है। ईलाई शेन, मैं यहाँ डॉक्टर ब्लैक से मिलने आया हूँ। यहीं रुको। चलो जी मेरे पीछे आओ। अंदर जाओ। ब्लैक कहाँ है? वो नहीं बता सकता। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मुझे मेरा स्लग वापस चाहिए। मैं एक बार फिर मेरे इस ऑफर के बारे में सोचना चाहिए। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें स्लग टेरा का सबसे खतरनाक हथियार दूंगा। और मैं जानता हूँ कि तुम करने में विश्वास रखते हो, बोलने में नहीं। मेरी ही तरह। तो मैं साफ साफ बता दूं, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करो और साथ काम करो। तो चलो दोस्तों, हमें इन स्लग्स को जल्दी यहाँ से निकाल देना चाहिए। एक प्रॉब्लम है, जूल्स यहाँ नहीं है, हमने देर कर दी। तो क्या तुम हमेशा से एक हेंचमैन बनना चाहते थे या फिर यहाँ आकर तुम्हें ऐसा सब करना पड़ा? खैर छोड़ो, क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक कब आएगा? हाँ मैं जानता हूँ मैं अचानक बिन बुलाए आ गया, पर वैसे भी मुझे पता था तुम आओगे। पता नहीं मैं ईलाई को जोन्स के बारे में कैसे बताऊं। तुम कैसे हो दोस्त? खत्म कर दो उन्हें। हमें यहाँ से निकलना होगा। पर स्लग्स को बिना लिए नहीं। वैसे नहीं, ऐसे। डॉक्टर
ब्लैक के स्लग्स भाग रहे हैं, वापस लाओ उन्हें। मॉरिस, हमें अकेला छोड़ दो। तो चलो अब सीधे बात करते हैं। तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? बुलाया है? शायद मुझ तक तुम्हारा ये बुलावा आया ही नहीं। पर तुम्हें वो मैसेज तो मिला था ना जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था, उसी के लिए तो तुम आए हो, है ना? शायद। मैं दरअसल यहाँ अपने स्लग्स वापस लेने आया हूँ। सच में तुम इसी को ढूंढ रहे हो ना? जूल्स, दोबारा सोच लो। बहुत अच्छे, ये चाहिए तो मेरे साथ आओ, मैं इसे और शक्तिशाली बना सकता हूँ। खिलाड़ी है। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम इतनी आसानी से मेरे ही घर आकर मुझे हरा दोगे? हाँ, सोच रहा हूँ अच्छा होता अगर वो अपग्रेड मेरे साथ होते। देखो, ईलाई ब्लैक से लड़ रहा है, वो भी मेरे बगैर। वैसे ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था, पर कभी कभी बेटे भी अपने पापा जैसी गलती कर बैठते हैं। अच्छा है, हम सब यहाँ हैं। तुम्हारे दोस्त एक और चेन को खत्म होते देखेंगे और बाद में खुद भी खत्म हो जाएंगे। स्लग्स बहुत पावरफुल है, पर मैं जानता हूँ कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम्हें अपने स्लग्स पर हद से ज्यादा भरोसा है, ये इन्फर्नोस तुम्हारे काम नहीं आएंगे। वो तो हम देख लेंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो भी अब दिखा दो अपना कमाल। हाँ।
की दीवार। क्या बात है बॉबी, तुमने दिखा दिया कि तुम क्या कर सकते हो। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो फिर देर किस बात की। जाओ उन्हें दूसरी तरफ से पकड़ो। नहीं, जाने दो उन्हें। वो अब समझ गया होगा ईलाई शेन अब यहाँ जल्दी वापस नहीं आएगा। उसे सबक क्यों नहीं सिखाते। जरूर सिखाएंगे, सबको सिखाएंगे। पर अब उसके लिए इतना समझना काफी है कि डॉक्टर ब्लैक से कोई भी शेन नहीं जीत सकता। वैसे वो इतना भी बुरा मुकाबला नहीं था। तुम सबने कमाल कर दिया। सच में ब्लैक गलत था। हमारे स्लग्स भी उनका मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम ब्लैक का मुकाबला करके उसे हराना चाहते हैं तो हमें स्लग्स चाहिए, बहुत सारे। उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत भी पड़ेगी। हमारे स्लग्स कहीं और मूव्स भी सीख सकते हैं। और वो जरूरी सामान मत भूलना। मुझे पता है कि तुम उसे जरूरी नहीं समझते ईलाई, पर वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं कभी भी ब्लैक को हम पर हावी नहीं होने दूंगा। शुक्रिया कॉर्ड, मुझे तुम पर भरोसा है। और अगर हम मिलकर एक टीम की तरह काम करें तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं आई जी। वो क्या है प्रॉन्टो? प्रॉन्टो का रूम साफ करना, और क्या। कौन है मेरे साथ? अरे कोई तो तुम में से मेरा साथ दो जी। कभी तो मेरी बात मारा करो जी। संभल कर कॉर्ड, हम बिल्कुल उनके ऊपर हैं। ठीक कहा, सॉरी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो मैं जरा इसके नीचे देखता हूँ। फ्रॉस्ट क्रॉलर्स, पता है ईलाई, वो भयानक हो सकते हैं। और वो और भी भयानक हो जाते हैं जब 100 माइल्स पर आवर तक पहुँचते हैं। देखो मेरी वादा का बुरा मत मानना, पर वक्त हो तो मुझे भी कुछ कहना है। और वो है कि यहाँ तक द ग्रेट प्रॉन्टो तुम्हें लेकर आया है ना। पहले हमें उनमें से एक को तो पकड़ना होगा। मैं जान लाती हूँ। मेरे पास ग्लव्स हैं। ऐसा होगा अगर हम उनसे सीधे बात करें। क्या? कैसे हो दोस्तों? मैं कुछ पावरफुल स्लग्स को ढूंढ रहा हूँ अपनी टीम में शामिल करने के लिए, जैसे कि तुम। अब मैं उसे पकड़ लूंगा। प्रॉन्टो नहीं। घबराओ ना, को कुछ नहीं होगा। वो सब स्लग्स एक साथ ट्रांसफॉर्म हो गए तो बहुत ही बुरा होगा। दोस्तों अब यहाँ ठंड बहुत बढ़ रही है। भागो यहाँ से। अरे अरे जल्दी चलो उस्ताद, बिना किसी काम के आओ। मेरा मतलब है तेज और हवा से बातें करने वाले उस्ताद मेरी जान के। सिर्फ एक मौका है, इसे वेस्ट मत होने देना बॉबी। जलाओ बॉबी जलाओ। बजिया जी, ये तो कमाल का था। मुझे नहीं लगता। Come on, सच में कमाल था, पर हमें स्लग नहीं मिल पाया। जरा देखो तो ये वापस आ गया। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।
ईलाय, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे स्लग्स इतने पावरफुल हैं कि तुम्हारा ब्लास्टर उसका प्रेशर नहीं हैंडल कर सकता है। आज नहीं तो कल तो होना ही था। नहीं, बचाओ। वाह, क्या एक्टिंग है। थैंक्स, मैं तो बचपन से ही अच्छा एक्टर हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये कब तक ठीक हो जाएगा? मुझे लगता है शायद कभी नहीं। ओह, मैं बहुत से ब्लास्टर्स को जल्दी ठीक कर सकता हूँ, पर इसके लिए एक एक्सपर्ट लगेगा, और मैं ऐसे ही किसी को जानता हूँ जो ये कर सकता है। रेड हुक, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। जरूर सुना होगा, सारे बेहतरीन स्लिंगर्स उनके पास ही जाते थे, तुम्हारे डैड भी। उसका नाम काफी फेमस है जी, और साथ ही उसका गुस्सा भी। मैं किसी नए दोस्त को नहीं ढूंढ रहा, मुझे बस अपना ब्लास्टर ठीक करना है। हमें वहाँ ले चलो प्रॉन्टो। मेरे पिछू आओ। ये है क्वाइट लॉन, रेड हुक का घर। तुमने तो कहा था ये जगह अच्छी होगी। अच्छी थी तो सही। लगता है यहाँ के लोग बड़े शर्मीले हैं। अरे प्रॉन्टो को पता है क्या करना है जी। हेलो, मैं हूँ प्रॉन्टो। लगता है बहुत शांत किस्म के भी हैं। तुम भी शांत हो जाओगे अगर तुम उनके नीचे रहोगे। स्लग्स, अगर ये स्लग्स नीचे गिर गए तो ये फट भी सकते हैं। उनके नीचे रहना तो बहुत मुश्किल होता होगा। हमें इन स्लग्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ हुला गैंग से, जो हमें चैन से जीने नहीं देती। हुला क्या? हुला गैंग। चलो चले दोस्तों। हे, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारा आर्टवर्क, क्या वो एक बुढ़िया है? बढ़िया है। तुम्हें शायद तमीज की जरूरत है, क्योंकि तुम उससे बात कर रहे हो जो इस बेकार कस्बे को चला रहा है। मैं इस बात को याद रखूंगा जब मैं इसे चलाऊंगा। क्या तुम इससे अपने इस टूटे हुए ब्लास्टर से लड़ोगे? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वो नए शेन हो ना। निकल जाओ यहाँ से, हम हुला गैंग से हैं, ब्लैक इंडस्ट्रीज के ऑफिशियल एम्प्लॉयज। इसका मतलब तुम्हें हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमसे पंगा लेना मतलब डॉक्टर ब्लैक से उलझना। ओ, तुम उसकी फिक्र मत करो, ब्लैक से तो मुझे पहले से ही प्रॉब्लम है। लगता है टीम के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो तुम्हें मुझे एक मुकाबले में हराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। लगता है तुम थोड़े से पागल भी हो। मैं डॉक्टर ब्लैक के लिए काम करता हूँ, तुमसे लड़कर मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? अगर तुम जीते तो मेरे स्लग्स तुम्हारे हुए, सारे के सारे। सारे के सारे? अगर तुम हारे तो तुम यहाँ से चले जाओगे। मुझे मंजूर है, अपने स्लग्स मुझे देने के लिए तैयार रहो। ईलाय, क्या तुम सच में बर्पी और बाकी के स्लग्स को दाव पर लगाना चाहते हो? हाँ? ये बात तुम्हारे दिमाग में भी आई होगी जब तुमने उसे चैलेंज किया था, है ना? हाँ, पर सब ठीक होगा, मेरे पास एक प्लान है। क्या बात है, इसके पास एक प्लान है? प्लान क्या ही? जीतना है? ये लो। अब तुम ये बहाना नहीं बना सकते कि तुम्हारे हाथ में टूटा हुआ ब्लास्टर था। शुक्रिया, वैसे भी तुम्हें हराने के लिए मुझे सिर्फ आधा ब्लास्टर चाहिए। क्या ख्याल है? इतना भी बुरा नहीं था। चलो देखें मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ या नहीं। तुम हार गए, तुम हार गए। तुमने कमाल कर दिया दोस्त। एक पॉइंट ईलाय को। बहुत अच्छे ट्रिक शॉट्स, बेस्ट टू आउट ऑफ थ्री। नहीं तुम नहीं, मेरे फ्लरिंगो से तुम्हारे स्लग्स मुकाबला नहीं कर सकते। चलो देखते हैं ये फ्रॉस्ट क्रॉलर क्या करता है। जो पहले उस खंभे को हिट करेगा वो जीतेगा। शुरू करो। टू जीरो। फिर से वन
बैटल नहीं करते, खेल खत्म, जो जीता वही सिकंदर। दोस्त मैं जीत चुका हूँ और वो भी 6 शॉट्स पहले। ये गुफा ग्रीनियो का स्लग से भरी पड़ी है, जो भी सबसे ज्यादा गिराएगा वो समझो जीत गया। नहीं, नहीं। वो स्लग्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। मुझे इससे क्या, वो तो सिर्फ स्लग्स है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सिर्फ एक तुम ही बचे हो। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम ना ही फटते हो और ना ही किसी को जमा सकते हो। तुम कुछ नहीं कर सकते, बस बेकार हो। अब जरा रुक जाओ, तुम्हें इसके साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए। बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो लड़े। क्या तुम मुझे फिर से वो ब्लास्टर दे सकते हो? अब तो तुम कहे। क्या करूं, मेरे कोई भी स्लग स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं। गॉड, मुझे एक बूस्ट अप चाहिए। ठीक है दोस्त। लगता है उनको गिराने के लिए इतना काफी नहीं है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मेरी टीम में आ सकते हो। तुम्हारा स्वागत है। तुम सबने बहुत बड़ी गलती की है, अब डॉक्टर ब्लैक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो जरूर वापस आएंगे और हम उनका इंतजार करेंगे। अब क्या हम रेड हुक से मिलने चले? मिस्टर रेड हुक, मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मुझे परेशान मत करो, तुमने कुछ सुना? हम वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, हम तो यहाँ सिर्फ ब्लास्टर ठीक करने आए हैं। तुम वो हुला गैंग वाले तो नहीं हो ना? नहीं, हम तो वो हैं जिन्होंने उन्हें यहाँ से भगाया। तो आप भी रेड हुक हैं? एक सवाल है, क्या हुक मिलने से पहले आपका नाम रेड हुक पड़ा या बाद में? और क्या ये हुक रेड था जब आपको मिला या फिर? प्लीज सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है, अंदर आ जाओ, तुमने मुझे लंच के वक्त डिस्टर्ब किया। क्या बात है, मुझे भी भूख लगी है जी। मुझे नहीं लगा था कि अब भी इस तरह के हथियार बनते होंगे। नहीं बनाते। बताओ तुम्हें क्या चाहिए और निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास कुछ स्लग्स हैं जिन्हें शूट करने के लिए मुझे ब्लास्टर चाहिए। क्या तुम्हारे पास इतने ही स्लग्स हैं? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी को तो इस शहर की रक्षा करनी होगी। तुम जाने पहचाने लगते हो, क्या पक्का हम पहले मिले हुए हैं? मुझे तुम्हारा ब्लास्टर दिखाओ। आप ठीक कर सकते हैं? ये मेरे लिए बहुत लकी है। तुम लकी हो कि अब तक जिंदा हो, ये तब से खटारा था जब ये नया था। मैं खटारा ठीक नहीं करता। एक मिनट प्लीज, लगता है कि इस आदमी से प्यार से बात करनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, प्रॉन्टो जानता है कि इसे कैसे मना। नहीं 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 नहीं, नहीं की है, निकल जाओ और वापस मत आना। शायद उसे मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसे तुम्हें ही मनाना होगा, वरना तुम्हारा कच्चुंबर बन जाएगा। <तुहारा। laughs>
मॉरिस, ये आखिर है कौन? नया आदमी है, इसका नाम बिली है। हमने इसे क्वाइटलॉन गुफा में भेजा था रेडो को समझाने के लिए। ओ अच्छा, तो क्या वो लोग हमारा कहना नहीं मान रहे? वो लोग नहीं, वो नया शेन नहीं मान रहा। ऐसे अकड़ रहा था जैसे वो जगह उसकी हो। और उसने तुम्हारा ये हाल किया। तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मैं भी आपसे मदद ही मांगने आया था। ओ! तुम्हारा नाम बिली है ना? तुम शेन से अपना बदला ले सकते हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को और खतरनाक स्लग्स दूंगा। गूल स्लग्स, क्या तुमने कभी देखे हैं? आहा, पर उनके बारे में सुना जरूर होगा। सोचो अगर तुम्हें एक ऐसा स्लग मिले जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, जिसे परखा नहीं जा सकता, पर वो तुम्हारे नुकसान की भरपाई अच्छी तरह से करेगा। एक शेन भी इन गूल्स के सामने नहीं टिक सकता। अब तुम्हारे बेकार स्लग्स में से तुम किसे गूल बनाना चाहोगे? शहर के लोग फिर से पहले की तरह खुश हैं। हाँ, इतने सारे विस्फोटक स्लग्स के साथ रहना आसान काम नहीं है। फ्रॉन्टो कहाँ है? रेड हुक के यहाँ, अब तक माफी मांग रहा है, पर उसके लिए वक्त नहीं है। वो हुला गैंग वापस आ रही है। वापस आओ, ये तुम्हारा शहर है। वो लड़ना क्यों नहीं चाहते? इस शहर का नाम क्वाइटलॉन है, याद है ना? अब हमें ही इस शहर को बचाना होगा। उससे पहले तुम्हें अपने ब्लास्टर को ठीक करना होगा। उम्मीद है शायद फ्रॉन्टो उन्हें अभी तक मना चुका होगा। अबे तू, मेरे पापा की तरफ से और उनके पापा के पापा की तरफ से मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ जी। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि निकल जाओ मेरे घर से। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने को माफी मांगने का वक्त खत्म हो गया। प्रॉन्टो, पता है हुला गैंग वापस आ रही है। मिस्टर रेडहुक, क्या आप मेरा ब्लास्टर ठीक करेंगे या नहीं? नहीं। ठीक है, तो मैं बिना ब्लास्टर के उनसे लड़ूंगा। चलो चले प्रॉन्टो। तुम एक शेन हो, है ना? सही कहा, पर ये आपको कैसे पता? क्योंकि तुम एक शेन की तरह ही हो। मैंने शेन को देखा था, वो एक बार पूरे मैकडूगल गैंग का अकेले ही मुकाबला कर रहा था, वो भी सिर्फ कुछ स्लग्स और एक स्लिंगशॉट से। पता नहीं था उसका बेटा भी है। पापा मुझे इन सब से दूर ही रखना चाहते थे। और अब तुमने उनकी जगह पूरी तरह से ले ली। तुम ब्लैक का मुकाबला करना चाहते हो? मैं हर किसी से लड़ूंगा जो इस दुनिया में बुराई फैलाएगा। तो फिर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वाओ, मैंने ऐसे सिर्फ दो बनाए थे। पहला तुम्हारे पापा के पास था। पता नहीं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। बिल्कुल अपने पापा की तरह बनकर। अब हम लोग उस हुली गैंग का डट के मुकाबला करेंगे, और अगर आप इसमें हमारी मदद करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे ना। मैं तुम्हारी मदद करता, पर मुझ में अब लड़ने की ताकत नहीं है। आपने हमारी बहुत मदद की है, अब मैं इसे अंजाम दूंगा। चलो चले प्रॉन्टो। बहुत बहुत शुक्रिया मियां, आपका शुक्रिया। जाओ उन्हें हरा दो बच्चे। क्या सब तैयार है? मैं तो पैदा होते ही तैयार हो गया था। चलो इन जोकरों से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। अब मेरे पास नया ब्लास्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉब्लम है, और उसके पास गोल नहीं है। अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। चलो देखते हैं। शूट करो। ये तो कमाल का है। कोशिश करो कि उनके स्लग्स वेस्ट हो। नहीं।
तुम्हारी बारी जूल्स। अच्छा शॉट था ट्रिक्सी। वो तो हमेशा होता है। छोड़ना नहीं। भाओ। पत्थर को गिरा दो। हमारे पास लक्स कम हो रहे हैं। मेरे पास सिर्फ 2 स्लग्स बचे हैं। मेरे पास तो सिर्फ डैसलर्स ही बचे हैं। मेरे पास वो भी नहीं। और मेरे स्लग्स पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मैं इनसे लड़ने के लिए यहाँ के निवासियों की मदद लेनी होगी। पर वो पहले ही मना कर चुके हैं। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा था। प्रॉन्टो, तुम्हारे पास अभी वो सोनिक ट्रैप है? हाँ जी। वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ तुम सोच रहे हो? हाँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है बोपी, अब एक साथ हमला करना होगा। अभी जंग अभी खत्म नहीं हुई है शैन, मेरे पास अब भी एक गोल है। ठीक है छोटू, अब तुम्हारी बारी है, हमें निराश मत करना। वो बेकार स्लग, अब तो तुम हार गए। को क्या किया? वो स्लग अब एक गोल नहीं है। तो तुम्हारा ये काम है, तुम एक हीलर हो। ये कोई ऐसा वैसा हीलर नहीं है ईलाई, उसके पास पहले से ही वो ताकतवर गोल है। एक हीलर? ये नहीं हो सकता। वापस चलो। बुरे लोग हार गए, ईलाई को नया ब्लास्टर मिल गया। आज का दिन इतना बुरा भी नहीं था। और हमें एक नया और अनोखा स्लग मिल गया। तुम्हें पता तो होगा ही कि हीलर स्लग स्लगटरा में बहुत ही कम पाए जाते हैं, है ना? क्या वाकई? शुक्रिया, ये तो प्रॉन्टो के बाएं हाथ का खेल था राजी। उन्हें शुक्रिया कहो दोस्त। शुक्रिया।